नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सुब्रत जी, कुछ रिसर्च चल रहा है अभी? रिसर्च सर, किस जो प्लान रिगार्डिंग? है, देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला जो पार्ट है, ये तो एक एक्स्ट्रा पार्ट है स्ट्रीम पास के लिए, लेकिन आपका जो मेन कंस्ट्रेंट है उस पर रिसर्च एंड नहीं होना चाहिए, रिसर्च चलते रहना चाहिए, नहीं सर, कर रहा है उसमें, बिल्कुल है ना? उस पर रिसर्च लगते लगे रहिए। कल्पेश जी से मिल चुके हैं। विश्व रंजन जी, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर। आकाश जी, कैसे हैं आप? लवली मैम, कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ बहुत बढ़िया। युवराज जी, कैसे हैं? सर, फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज मेहुल जी नहीं आ रहे हैं, सो उनके घर में किसी की हेल्थ खराब है, बट वील प्रे आर बेस्ट कि सब कुछ सही रहे, और वो कल से दोबारा ज्वाइन करेंगे। चलिए, सो अभिषेक जी, कल के सेशन से कोई क्वेश्चन, कुछ काम किया आगे, कुछ ट्राई किया? सर नहीं, एक्चुअली आज मैं कुछ अपना पर्सनल कोई काम बात नहीं। बिजी सुब्रत जी, हुआ कोई है। क्वेश्चन, नहीं सर, कोई क्वेश्चन किसी और का? विश्व रंजन जी, युवराज जी, आकाश, लवली, कुछ ट्राई नहीं किया आज तो। सर तो मेरा मेरा कुछ एक क्वेश्चन था वैसे, जी बताइए सर। लेकिन वो आपने जब कल डिस्कस किया था सेशन के दौरान की जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो स्टार्ट करेगी उसको हमारी तरफ सपोर्ट मिलेगी, उसमें सर जैसे आपने बताया था कि जो जो एरिया में हमारे स्टूडेंट्स काम करेंगे तो उसमें जो क्लाइंट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उठाने पड़ेंगे वो हमारे स्पेसिफिक एरिया से रहेंगे क्या? सर ऐसा कुछ नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया गया। ये जस्ट एक तो थॉट था, क्योंकि सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हर स्टेट में, मुझे लगता है 50-60 स्टूडेंट तो हमारे हैं ही हैं, जी, और ये इस बैच के लिए और लास्ट बैच के लिए स्टार्ट किया गया है, तो हम इस पे ये ध्यान दे रहे हैं कि आप लोगों के स्टेट भी कॉमन हो सकते हैं, या आगे कोई फ्यूचर में आएगा तो वहां पे स्टेट कॉमन हो सकता है, तो वहां ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पहले से इसका रेजोल्यूशन हम कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। हम अभी या तो इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि आपका जो भी डोमेन होगा वो डोमेन करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एक वेबसाइट जो भी हम बना दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डी मंत्रास फॉरवर्ड स्लैश अभिषेक, और अभिषेक की पूरी वेबसाइट होगी, और अभिषेक उस तरीके से वहां से पिच करना स्टार्ट करेगा, आप जो एड्स रन करेंगे उस डोमेन पे रन करेंगे, इससे होगा ये कि आप पूरे के पूरे एरिया पे, पूरे इंडिया पे टारगेट कर सकते हैं, और आप लोग आपस में क्लैश नहीं करेंगे एक दूसरे से। और फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल टाइप्स में, जैसे एक दिन आपको हमने टॉप में रखा, सेकेंड डे हमने विश्व रंजन जी को रखा, थर्ड डे हमने सुब्रत जी को टॉप में रखा, हम ये चाह रहे हैं कि लीड कॉल्स आपके पास आए, तभी आप सीख पाएंगे ना, डेफिनेटली तभी आप सीख पाएंगे। और एक ऑथेंटिकेशन भी बहुत जरूरी है कि आपने जो हमें लीड प्रोवाइड की है वो लीड पे आपका कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये इसकी ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। इंसानी दिमाग है सर, अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलेगा, खराब चलेगा तो यहाँ कुछ बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो एज ए कॉर्पोरेट हमेशा हमेशा मुझे लगता है कि उससे हमें बच के रहना चाहिए। तो बस उसी चीज के लिए डिस्कशन जरूरी है अभिषेक जी, मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं, और मैं लॉग इन करता हूं अपने स्क्रीन पे। यहां पर आप लोगों ने काम नहीं किया तो एक काम करते सर, हैं। मैंने किया है सर, मैंने थोड़ा किया, देखिए ना। ओके, आपने किया हुआ है, चलिए कल्पेश जी ने भी किया है। कल्पेश जी का ये रहा। मेरा एक क्विक सा सवाल था, ये जी बताइए सर। जो आप मानिए जो वेबसाइट में जो सारा ये इमेजेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक जी है, तो एक तो है सबसे पहले मुझे ये डर है कि ये इमेजेस या तो हम इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं या कहीं से सर्च कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये इमेजेस हमें कहाँ पे सर्च करना है ताकि कम से कम किसी की कॉपीराइट का हमें ऑब्लिगेशन ना लगे। सर आप गूगल पे जाएंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि आपको इमेजेस जहां से डाउनलोड करनी है या फिर इमेजेस एडिटिंग करनी है, तो मैं अभी आपको एक इमेज एडिटिंग टूल भी सिखाऊंगा जिसका नाम है कैनवा, बहुत मजेदार टूल है, तो आप अपनी इमेजेस क्रिएट भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट भी बताऊंगा जहां से आप इमेजेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री स्टॉक इमेजेस, ओके, दुनिया भर की इमेजेस यहां पे आपको मिलेंगी, रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं ये, फ्री स्टॉक फोटोग्राफ्स है, pixels.com है, यहां से आप जाएंगे, यहां दुनिया भर की फ्री इमेजेस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एजेंसी की इमेज, आपने डिजिटल सर्च किया, डिजिटल से रिलेटेड आपको बहुत सारी फ्री इमेजेस मिल जाएंगी, देख रहे हैं, राइट, ओके, ये सारी कॉपीराइटेड नहीं है, फ्री है। वैसे जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब ये भी है कि
कि गूगल ने भी इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। गूगल चाहता है आप जैसे यूजर्स को जरूर वहां पे रोक के रखे, तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग चूज कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जब हम इमेजेस पे जाएंगे तो टूल्स के अंदर गूगल ने हमें ये ऑप्शन दिया है। अब यहाँ देखिए यूजिंग राइट्स। अच्छा ओके। लेबल्ड फॉर रीयूज, मतलब ये सारी इमेजेस हैं जो आप रीयूज कर सकते हैं, देख रहे हैं फॉर रीयूज आपने लेबलिंग करके। जी बिल्कुल ओके। मैं आपको यहां से इसका एग्जांपल एक बता दूं। ये जो सुब्रतो जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉपीराइट नहीं आए, मैं अपना एक फीडबैक बता दूं। जब मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में था उस टाइम मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं हर सेशन में इस चीज को बताता हूं। मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा था rockfordgroup.com के साथ, ये न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी एजेंसी है। और अभी रिसेंट में माइकल जो इसके ओनर हैं वो और मैं बिजनेस पार्टनर्स हैं। सो इनके साथ जब मैं काम कर रहा था स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग करियर में कॉलेज टाइम में, तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरी आदत थी वही इंडियंस की तरह गूगल से डाउनलोड कर लेना और चढ़ा देना। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिसको मैंने क्या किया, गूगल से एक इमेज डाउनलोड की, एक केले पे एक आदमी स्लिप हो रहा था। हम वेबसाइट बना रहे थे एक लॉयर की, जो क्या करता है कि अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाइए और बर्गर खा लीजिए और आपका पेट खराब हो गया तो आप मैकडॉनल्ड्स पे केस कर सकते हैं, और उस लॉयर को कोई फीस नहीं देनी। लॉयर 2 करोड़ का केस मारेगा और लॉयर उसका 20% रखेगा, उसका यही काम है। तो इस लॉयर की वेबसाइट हम बना रहे थे, तो वहां पे हमने एक इमेज यूज करनी थी कि एक आदमी किसी फ्लोर पे चल रहा है और एक केले का छिलका है जिसपे स्लिप हो गया। तो जिसका भी फ्लोर होगा, मतलब जो हॉस्पिटल वाला या होटल वाला जिसका भी फ्लोर होगा उस पर वो लॉयर केस कर सकता है। तो मुझे इस तरीके की फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट थी, मैं गया इंटरनेट पे और मैंने यहाँ पे स्लिप मैन डाला, एक केले की फोटोग्राफ पे एक आदमी आ रहा था, मैंने यूज कर लिया उसको, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बहुत अच्छे कवर के होते हैं, तो मैंने कम से कम 3-4 लाख रुपए का प्रोजेक्ट किया, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैंने करके उसको डन करके दे दिया। डिजाइनिंग मेरी हमेशा से काफी स्ट्रांग रही, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा चार्ज लेता था और जो सेटिस्फाइड कस्टमर को कर देता था। लेकिन प्रोजेक्ट होने के बाद 2 महीने बाद जो लॉयर था उस पर किसी ने केस कर दिया, लॉयर ने केस कर दिया। और केस करने के बाद जब मैं माइकल के साथ दोबारा काम कर रहा था, तो माइकल ने मेरे 70,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए मेरे नेक्स्ट पेमेंट में से, मुझे बिना बताए। जब मेरे पास पेमेंट आई मैंने कहा ये क्या सीन है, तो उसने मुझे एक लेटर दिखाया कि उस इमेज वाली कंपनी के साथ सेटलमेंट करने के लिए माइकल ने 70,000 रुपए उसको रीपे किए, तब जाके केस खत्म हुआ। Oh my God. और उसने ढूंढा कैसे, उसने ढूंढा इसी तरीके से कि आप जब गूगल में जाते हैं सर्च करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है, मान लीजिए ये एक इमेज है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे सेव इमेज कर देता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा मैं किस इमेज को सेव कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया, देखिए मैं इमेज में जाता हूं और मैं यहां पर कुछ भी सर्च कर लेता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे IIDM प्रभाकर सर्च कर लेता हूं। और यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, ये इमेज का छोटा सा आप लोगो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए मैं अपलोड इमेज के ऊपर जाता हूं, यहां पर चूज करता हूं मैं जो भी इमेज अब यहां पे चूज करना चाहूंगा। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इस इमेज को चूज किया था, ये रही वो इमेज जो हमने डाउनलोड की थी। अब देखिए मुझे दिखा देगा कि ये इमेज एग्जैक्टली कहां कहां पे प्रेजेंट है, देख लीजिए इसने मुझे दिखा दिया। तो गूगल बहुत ज्यादा इमेजेस को समझता है, तो ऐसे ही जो इमेज प्रोवाइडर्स हैं जिनकी कॉपीराइट इमेजेस हैं वो इमेज प्रोवाइडर्स यहां पर अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं। और देखिए जितनी भी देख रहे हैं आपको सारे लोग, ये देखिए ये एक कुछ एक डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म है जिसने इस इमेज को यूज किया हुआ है। ओके थोड़ा डीप में समझा रहे हो कैसे मालूम पड़ेगा। ओके मैं समझा देता हूं सर। मान लीजिए आपकी कूलर की फोटोग्राफ है सर, जैसे यहां चलते हैं राज कूलर्स, ये समझना बहुत जरूरी है। राज कूलर के इमेजेस पे मैं चलता हूं और ये फर्स्ट वाली कूलर की इमेजेस है, ठीक है सर, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूं।
मैं यहां पे जाता हूं, अब मुझे चेक करना है। मान लीजिए आप इमेज प्रोवाइडर हैं, आप मार्केट में अपनी इमेजेस बेच रहे हैं, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि आपकी जो इमेजेस हैं क्या किसी ऐसे बंदे ने भी अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई जिसने आपसे नहीं खरीदा हुआ है। तो मैं यहां पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पे images.google.com पे जाऊंगा, इस इमेज वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, चूज करूंगा और जिस इमेज को मैंने डाउनलोड किया है उसको यहां से उठाऊंगा एंड ओपन। मुझे यहां से पता लग जाएगा, देखिए किस किस ने यूज किया हुआ है। देखिए राज फाइबर ग्लास ने भी इस इमेज को यूज किया हुआ है। वो मेरा ही है सर, वो मेरा ही है। सर मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जहां जहां पे इमेज यूज होगी वो आपका है नहीं है वो तो आप डिसाइड करेंगे ना सर। कहां जैसे मालूम पड़ा सर? सर ये मैंने सिंपल इसको इमेज को क्लिक किया और देखिए मेरे पास अमेज़न पे भी आ गया, अमेज़न पे भी इस इमेज को यूज किया गया है, राज फाइबर पे भी यूज किया गया है, इसके बाद राजकूलिंग.com पे यूज किया गया है, राज फाइबर ग्लास पे यूज किया है, इंडिया मार्ट पे भी यूज किया गया है। देख रहे हैं आप लोग इमेज कैसे पकड़ी जाती है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सुब्रतो, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। कॉपीराइटेड इमेजेस नहीं उठानी है किसी की, राइट राइट सर। और कॉपीराइट इमेज बहुत सारे इंडियंस के दिमाग में ये चीज होती है कि किसी भी इमेज को उठाओ और उसमें एक डॉट लगा दो वो इमेज हमारी हो जाएगी। सर मैंने वेबसाइट बनाया सर, देखिए जैसा है सर। बिल्कुल सर, आ रहे हैं उस चीज पे। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप बोल रहे थे एक तो पिक्सल है, सुब्रतो जी दोबारा बताएं। अब मैं बोल रहा था सर साइट का नाम बता रहे थे, एक तो पिक्सल है सर, मैं बताऊंगा जब मैं इमेज टूल सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा उस जगह पे। और आप गूगल के ऊपर जाके फ्री स्टॉक इमेजेस सर्च कीजिए, दुनिया भर की वेबसाइट आपके पास आ जाएंगी। ओके, फ्री स्टॉक इमेजेस या फ्री इमेजेस फॉर माय वेबसाइट ऐसा सर्च कीजिए। ठीक है, ओके। ये एक पोस्ट इन्होंने बता दी। चलिए सर बहुत बढ़िया, ठीक है कल्पे जी, ये मतलब एक थीम यूज की ना आपने? हाँ यस। बहुत बढ़िया, मतलब एक आइडिया आपको लग चुका है कि थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं। कुछ आता ही नहीं था सर, वैसे ही सीखा आपने। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ और मैं अपने डैशबोर्ड पे एक बार चल देता हूँ। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्लगइन कैसे, एक कॉन्टैक्ट प्लगइन हम यूज करते हैं। मान लीजिए हमारा जो पेज है अभी के लिए, हमारा एक पेज है, मैं यहां पर इस वेबसाइट को पहले ओपन कर लूं। कल मैंने आप लोगों को मेटा स्लाइडर के बारे में बताया था, उस तरीके की स्लाइडर्स आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा पेज है अभी। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक पेज बनाऊं और उसको मैं अपना फ्रंट पेज दूं। तो यहां पर मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जिस प्लगइन की मदद से हम कुछ काम कर सकते हैं डिजाइनिंग को लेके, और इसका नाम है एलिमेंटोर। डिवी इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है एलिमेंटोर का। तो यहां पर मैं एलिमेंटोर, आपने कल किसका कंप्यूटर बताया था सर? डिवी का। डिवी पेज बिल्डर है ये, पेज बिल्डर। देखिए अभी ये क्या हो रहा है ना, अभी हम जो पेज बना रहे हैं वो पेज में डिजाइनिंग उतनी नहीं आ पा रही है ना कॉर्पोरेट लुक में, है ना, हमें थीम यूज करना पड़ रहा है। अब हमारे पास पैसे नहीं, हम बनाए कैसे, तो एलिमेंटोर पे चलते हैं। देखिए यहां पे चलते हैं, आप सिर्फ ईएलई डालेंगे, ये एलिमेंटोर आ जाएगा आपके सामने, एलिमेंटोर पेज बिल्डर। देखिए यहां से मैंने इंस्टॉल किया, मेरे पास इसका प्रो वर्जन भी है लेकिन मैं आप लोगों के सामने फ्री वर्जन यूज करके दिखाऊंगा। प्रो वर्जन के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट पेज यहां पे दिखा रहा है, हम यहां पे चलिए क्रिएट योर फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। और ये हमें क्या कहां पे ले आएगा, एक एलिमेंटोर के बिल्डर पे ले आएगा। अब वर्डप्रेस से आप हल्का सा हट गए और एलिमेंटोर के अंदर आ गए। याद रखिएगा जब इसके थ्रू आप पेज बनाते हैं, जब आप एलिमेंटोर के थ्रू पेज बनाएंगे तो याद रखिएगा आप थीम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद की थीम बना रहे हैं। ओके। अगर आप एलिमेंटोर के थ्रू कोई पेज बना रहे हैं तो वो थीम स्पेसिफिक नहीं होगा अगर आप थीम चेंज करेंगे, क्योंकि एलिमेंटोर एक पेज बिल्डर है, समझिएगा इस चीज को।
ये आपके पेज को डिजाइन दे रहा है, तो अगर थीम चेंज कर लेंगे तो ये तो कोड ही नहीं समझ पाएगा ना। या मान लीजिए किसी कारणवश आपके वर्डप्रेस के अंदर से एलिमेंटोर अनइंस्टॉल हो गया तो समझ नहीं पाएंगे आप। यहां पे देखिए ये प्लस का साइन है, इसको समझिएगा, ये एक डिजाइन आइकन है, ये एक डिजाइन आइकन है और ये एक प्लस का साइन है। प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आ जाएगा कितने, मतलब एक रो के अंदर कितने पार्ट्स करने हैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे चार डिफरेंट कूलर्स की पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन चारों को लूंगा और ये देखिए चार सेक्शन में यहां पे डिवाइड हो गया मेरा, एक दो तीन, और ये चौथा यहां पे मेरे सामने आ रहा है, तीन सेक्शन आ रहे हैं, सॉरी तीन, आपने तीन वाले पे क्लिक किया था जी, हमने तीन सेलेक्ट किया था, यस सर, ओके चलिए तीन सेक्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं और प्लस का साइन आ रहा है। प्लस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज है, कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखिए मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक कर दिया, इस प्लस पे क्लिक करूंगा इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप, इस प्लस पे क्लिक करूंगा इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये तीन इमेजेस मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पहली इमेज में इसको डाल देता हूँ, ये रहा, दूसरी इमेज पे आते हैं, एडिट वाले मोड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इस इमेज पे, क्लिक करेंगे दूसरी इमेज इसको डाल लेते हैं, तीसरी इमेज इस पे आते हैं, एडिट मोड पे क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे, यहां क्लिक करेंगे और तीसरी इमेज इसको डाल देते हैं, देख रहे हैं आपका पेज का लुक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है, क्या करूंगा, मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपल यहां पे प्लस वाले साइन पे, प्लस आइकन इस पे क्लिक किया और देखिए एक सेक्शन बन गया है यहां पे। अब मुझे इस प्लस पे क्लिक करूंगा और यहां पे हेडिंग लिखनी है, ये देखिए मैं उठा के ले आया यहां पे, और यहां पे जो भी हेडिंग मुझे लिखनी है, दिस इज माय फर्स्ट पेज, मुझे इसको बड़ा करना है, आपको ये पता है, इसको क्लिक कीजिए, यहां एडिट मोड पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे कंटेंट है, आप यहाँ पे भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, देखिए H2 लिखा हुआ आ रहा है, मुझे H1 करना है, देखिए H1 से लेके H6 तक दिख रहे हैं आपको सारे, H1 कर देता हूँ, देखिए H1 का साइज ये आ गया, सेंटर करना है, सेंटर कर दिया, और बड़ा करना है, स्टाइल पे जाइए, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया, और भी कुछ चेंजेस करनी है, जी सर बताइए, और बड़ा करना है सर, और बड़ा करना है साइज को, एडवांस पे जाइए सर, और यहां पर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन जरूर मिल जाएगा, हम इस पे जाते हैं, साइज को और बड़ा करना है, देख लेते हैं सर यहां कहां जाएंगे, स्टाइल पे जाते हैं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट शैडो, कंटेंट, साइज ये रहा सर डिफॉल्ट, लार्ज चले जाते हैं, ये रहा लार्ज, और ज्यादा बड़ा करना है, ठीक है सर, ओके सर। सर ये जो कस्टमाइज करने का फॉर्मेट होता है, ये डिफरेंट थीम्स का डिफरेंट होता है क्या? बिल्कुल सर, लेकिन एलिमेंटोर अपने आप में एक थीम बिल्डर है। ओके। इसके नीचे मैं क्या करता हूं, मुझे एक वीडियो डालनी है, यहां पे एक और सेक्शन डाला, ये इसको सेक्शन बोलते हैं, यहां पे मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूं और यहां पे जाके सर्च कर लेता हूं वीडियो, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसी का वीडियो डाल दी। अब मेरा मन है यूट्यूब की एक वीडियो उठा के मैं यहां पे डालता हूं, यहां देखिए यूट्यूब के वीडियो का लिंक, आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कीजिए और यहां पे लिंक डाल दीजिए उसका, ऑटो प्ले करना है ऑटो प्ले कर दीजिए, जैसी वेबसाइट लोड हो ऑटो प्ले हो जाए, प्ले ऑन मोबाइल, मोबाइल के ऊपर भी ऑटो प्ले करना है कर दीजिए, ये सारे ऑप्शन है। लूप में चलानी है, मतलब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा चलानी है, वीडियो लूप में चला दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, स्टाइल के ऊपर जाइए, यहां पे आपको कुछ एडवांस के ऊपर जाइए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप देखिए ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना इन दोनों के बीच में, आप चाहते हैं फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट पेज, और ये जो वीडियो के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, इसको हटा सा ठीक करना है, तो वीडियो वाले एलिमेंट पे क्लिक कीजिए, ये छह डॉट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ अगर आप चाहते हैं एडवांस पे जाइए, और यहां देखिए मार्जिन दिख रहा है, देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है, यस सर,
ओवरलैप करना है हल्का सा ओवरलैप कर दीजिए, जो जिस तरीके से आपको मर्जी है वो आप कर सकते हैं। जीरो डाल देता हूं, ये उसी लेवल पे दोबारा आ गया। पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है इसका जो बॉर्डर है उससे, उस बॉर्डर से आपका जो आइटम है वो कितनी दूरी पे रहे। ध्यान दीजिएगा, पैडिंग को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, ये देखिए छोटा हो रहा है वो, देख रहे हैं सेंटर की तरफ आ रहा है वो, देख रहे हैं दोनों साइड से छोटा हो रहा है। यस सर, देखिए सेंटर की तरफ आ गया ना वो चारों साइड से। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं मैं इसको जीरो कर देता हूं। मोशन इफेक्ट्स, मैं चाहता हूं कि ये जब आए तो कुछ इस तरीके से आए, मतलब मेरी वेबसाइट जब लोड हो तो फेड डाउन, मतलब कुछ इस तरीके से आइए। एनिमेशन ड्यूरेशन फास्ट, बिल्कुल फास्ट कर दिया मैंने। अब इस पेज को देखिए, मैंने ये पेज बना लिया, अब इस पेज को क्या करते हैं, मैं सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है, नीचे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, मैंने पब्लिश कर दिया। हैव अ लुक पे क्लिक करना है, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा जब इस पे क्लिक करेंगे ये डॉटेड एरो पे, और यहां देखिए एग्जिट टू डैशबोर्ड, अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी तक आप एलिमेंटर डैशबोर्ड पे थे। विश्वरंजन जी इजी है ना, वेबसाइट बना सकते हैं अब? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है अभिषेक जी, ये तो शुरुआत है सर, अभी तो डीबी देखा ही नहीं है। तो यहां देखिए, यहां मैं पेजेस के ऊपर जाता हूं, यहां देखिए ऑल पेजेस के ऊपर मैं गया, ऑल पेजेस में जाने के बाद यहां मुझे दिख गया, ये देखिए एलिमेंटर से बनाया हुआ मेरा पेज। इसका नाम हमें रखना चाहिए था लेकिन हमने नाम नहीं रखा, तो नाम दोबारा रख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे एडिट, और ये एलिमेंटर 27 है, इसको एक काम करते हैं यहां डाल देते हैं होम पेज, मतलब ये हमारा पहला पेज है, इसको हम डाल देते हैं होम, और यहां साइड में पब्लिश अपडेट का ऑप्शन। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट पैनल है और वो एलिमेंटर का पैनल था, याद रखिएगा। इसको हमने कर दिया पब्लिश। अब देखिए क्या है, अब मैंने इसको अपना होम पेज बनाना है, ये जो होम है ना इसको मैं अपनी वेबसाइट का पहला पेज बनाना चाहता हूं, कि जब कोई मेरी वेबसाइट खोले तो पहले पेज पे आए। अभी क्या आ रहा है, यहां से कॉपी कर सकते हैं सर। एलिमेंटर और उसके अंदर क्या फर्क है? डीबी के अंदर एलिमेंटर और वर्डप्रेस के अंदर? हाँ सर, वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है जिसकी मदद से आप अपने डिजाइनिंग को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे देखिए वर्डप्रेस के अंदर कुछ लिमिटेशन थी ना, कि आप पेज इस तरीके का बनाएंगे, ये या तो थीम यूज करेंगे, लेकिन एलिमेंटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। मैंने कितनी जल्दी एक सिंपल वेबसाइट बना ली, आपने देखा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं यहाँ पे होम टाइप करता हूँ तब जाके मेरा पेज खुलेगा मुझे लगता है। चलिए यहाँ पे भी नहीं खुल रहा है, अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे होम पे क्लिक कर लेते हैं, ये पेज खुल जाएगा शायद मेरा। चलिए मेरा पेज वो ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरी वेबसाइट जब पहली बार कोई खोलेगा, कल्पेश जी आपको आंसर मिल गया आपका? हाँ सर। जब पहली बार मेरा कोई पेज खोलेगा तो अभिषेक जी, सुब्रतो, तो मेरा टारगेट क्या है, मैंने जो पेज बनाया वो दिखना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर। अभी मैं क्या करूंगा, मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, सेटिंग के अंदर जाऊंगा, डैशबोर्ड में सेटिंग में जनरल के अंदर गया मैं। जनरल आपको दिखाएगा आपके वर्डप्रेस के बारे में सारी की सारी सेटिंग्स, छोड़ दीजिए। यहां पे रीडिंग में जाना है, रीडिंग का मतलब यूजर के करस्पॉन्डिंग, देखिए रीडिंग मतलब जो यूजर उसको रीड कर रहा है वेबसाइट को। यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है योर लेटेस्ट पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट आप अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं वो सारे पोस्ट आपके होम पेज पे दिख जाए डायनेमिक जनरेट होके। मैं क्या करता हूं यहाँ पे स्टैटिक पेज, समझ आ रहा है यहाँ पे अभिषेक? बिल्कुल सर। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक पेज, मैंने एक स्टैटिक पेज बना लिया और यहां से मैं होम पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए होम जो मैंने डाला हुआ था, ये देखिए होम सेलेक्ट कर लिया एंड सेव चेंजेस। अब देखते हैं हमारा पेज आता है नहीं आता। अब मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज लोड करता हूं, ये देखिए आ गया। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर। सर जैसे ये डायनेमिक पेज में क्या कि जैसे कि हम लोग कुछ बैकग्राउंड में कुछ अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर। स्टैटिक में तो फिर हम स्टैटिक में क्यों किए?
सर स्टैटिक में इसलिए किया क्योंकि डायनेमिक का मतलब है कि वो डेटाबेस से डायरेक्टली पुल करके आ रहा है, ठीक है सर। ओके और हमने हमारे पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि आप वो पेज होम पेज वो दिखाओ कि आपके वर्डप्रेस के अंदर जितने भी पोस्ट हैं वो आपका फर्स्ट पेज पे दिख जाए जी। तो वो जो फर्स्ट पेज है वो एक्चुअली आपका कोई पेज नहीं है, वो पेज डायनेमिकली जनरेट हो रहा है। जब यूजर अपने स्क्रीन पे लोड कर रहा है ना तो एक पेज ऑटोमेटिकली बन रहा है जिसपे आपके पूरे वर्डप्रेस का पोस्ट उठ के आ रहा है, ठीक है सर। दोबारा समझाता हूँ भविष्य, समझ रहे हैं सर? नहीं समझ पाए सर। ठीक है, मतलब वो जो पेज है वो वर्डप्रेस ही बना रहा है, हम बस उसमें पोस्ट डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए आपके वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें, एक होता है पेज एक होता है पोस्ट, यही है ना? यस सर। अब सर आपके वर्डप्रेस के अंदर जब वर्डप्रेस का पहला पेज लोड हुआ, जब वर्डप्रेस का पहला पेज लोड हुआ तो अभी बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जो भी पोस्ट बनाते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर वो पेज दिख जाता है। मतलब वो पेज जो पहला पेज आपकी वेबसाइट पे होता है वो सारे पोस्ट दिखा देता है ना आपको। जैसे आपने होम पोस्ट बनाया या फिर कोई भी एक पोस्ट बनाया तो वो होम पेज पे आ गया था ना कल। क्लियर विश्वरंजन जी? और नहीं? नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां चलते हैं और मैं इस पेज को दोबारा हटा देता हूं। मैं यहां से इसको योर लेटेस्ट पोस्ट पे चला जाता हूं। सर देखिए वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है पोस्ट बनाना एक होता है पेज बनाना। यहां तक क्लियर है विश्वरंजन जी? यस सर। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर वर्डप्रेस का क्या होता है कि जो भी पोस्ट आप बनाते हैं जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा पहले पेज को, पहला पेज मेरा क्या है ये आपकी वर्डप्रेस के अंदर जितने भी पोस्ट बने, देखिए पोस्ट वन हेलो वर्ल्ड ये पोस्ट ही है ना? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट ये जो पेज है जो अभी लोड हो रहा है ये पेज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है ना, ये डायनेमिकली जनरेट हो रहा है ये पेज जब यूजर देख रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली बन रहा है ये पेज। ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे, ऐसा नहीं है कि आप ये चेक कर पाएंगे कि मेरा फ्रंट पेज कहाँ है उसको एडिट कर पाएंगे, इस पेज को एडिट करना है तो नहीं कर पाएंगे आप। ये डायनेमिक जनरेट हो रहा है, उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसे पेज को जिसको आप एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं जिसको स्टैटिक नाम दे दिया जाता है वर्डप्रेस के अंदर। डायनेमिक का मतलब ऐसा पेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑटोमेटिकली तब बन रहा है जब यूजर आपकी वेबसाइट को देख रहा है। क्लियर है विश्वरंजन जी? अभी समझ में सर, मतलब डायनेमिक मींस गूगल उसको ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल सर, गूगल नहीं, वर्डप्रेस सिस्टम, वर्डप्रेस। हाँ, और स्टार्टिंग मींस आपको जो दिखाना है वो ही दिखा के। बिल्कुल, आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने स्टैटिक पे सेलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया उसको जहां पे मेरा होम पेज है। okay. और मैंने इसको सेव कर दिया। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखिए मैं अपने पेज को लोड करता हूँ। देख रहे हैं एनिमेशन, देखिए आपने एनिमेशन आई सर। दोबारा लोड करता हूं, देखिएगा वीडियो की एनिमेशन को, इस पार्ट को देखिएगा, दिस इज माय फर्स्ट पेज के नीचे वाले पार्ट को देखिएगा जो एनिमेशन मैंने सेलेक्ट की थी वहां पे फास्ट मोड दिया था, ऊपर से ड्रॉप होगा, देख रहे हैं। सो इसी तरीके की एनिमेशन आप किसी भी चीज को दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं कल आपको एफआईएल्स टूरिज्म दिखा रहा था, ये देखिए इसको देखिएगा बड़े ध्यान से एनिमेशन किस तरीके से दी जाती है। ये देखिए गाड़ी आई साइड से, हाँ सर साइड साइड। ये गाड़ी क्या है, ये एक इमेज है और इसको एक एनिमेशन दे दी गई। क्लियर है? ये सर कैसे लगेगा सर? ये तो पूरा पेज भी फेड इन हो रहा है ना सर? दोबारा बताएं सर। सर ये पेज के ऊपर ये जो डिटेल्स है रेंट अ कार ये सब भी फेड इन हो रहे ना सर? वो सब पे एनिमेशन लगाई गई है। हाँ सर। सर इसमें जैसे ये जो एनिमेशन में जो कार आ रही है जी, इसमें हम देख रहे हैं जैसे कार का कौन सी मेक की है गाड़ी है वो मेंशन नहीं है, जैसे लोगो उसको मेंशन नहीं है। सर वो लोगो उन्होंने एडिट किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कार का वो दिखा देंगे ना लोगो जी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, कर देंगे नहीं आप पे कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है सर। और एक चीज है जी,
सर यहाँ पे जो गूगल एड्स डिस्कशन लिखा हुआ है, गूगल वीडियो एड्स लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग स्लाइडिंग करना चाहें एक बार, मतलब स्लाइड शो चलाना चाहें। हाँ सर, ये सर चलिए, कुछ नहीं सर, बहुत इजी है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते रहिए, बिल्कुल यहीं से समझ आएगा। सॉरी माय थ्रोट इज टोटली बैड टुडे। सो मैं क्या करता हूं, मैं जाऊंगा पेजेस के ऊपर, एक काम करते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यहां पे होम पे जाते हैं, पेज बनाते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं होम विथ स्लाइड, होम विथ स्लाइड, एंड इसको पहले पब्लिश करते थे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं एलिमेंटर से डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, मैंने एक नए पेज पे क्लिक किया और पहले इसको पब्लिश कर लिया और इसके बाद मैं एलिमेंटर पे क्लिक कर रहा हूं। अब मैं एलिमेंटर के बिल्डर मोड में जा रहा हूं, क्लियर है? वर्डप्रेस से हट गया, अभी मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से हट गया हूं, अब मैं एलिमेंटर के पैनल में जा रहा हूं। यहां आ गया, पेज क्रिएट करने के बाद आपको एलिमेंटर में जाना है सर, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर आप नहीं भी जाएंगे, डायरेक्टली एलिमेंटर पे जाके क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन हमारे पिछले पेज पे आपने देखा था, हमें पेज क्रिएट करने के बाद आके उसका पेज का नाम चेंज करना पड़ा। जी जी जी, ओके, तो इसलिए मैंने पहले पेज का नाम डाल लिया। ओके, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट करना है हमें, तो सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेंगे, ये रहा एक सेक्शन, ये सेक्शन बना लिया। इस सेक्शन के बाद यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे मैं स्लाइड शो चेक करता हूँ, ये देखिए मेटा स्लाइडर, कल हमने इंस्टॉल किया था ना मेटा स्लाइडर, उस प्लगइन को इंस्टॉल किया और प्लगइन यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं? ओके, मेटा स्लाइडर जो यूज किया था हमने, वो ऑटोमेटिकली इस प्लगइन को पुल कर लिया उसने, और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आप देखिए मेटा स्लाइडर लोड होगा, और यहाँ देखिए कल जो हमने 14 नंबर वाली टेस्ट स्लाइड बनाई थी, याद है आपको? यस सर, उसको हमने ऐड कर लिया, अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्लाइड यहाँ पे आनी चाहिए थी लेकिन स्लाइड नहीं आ रही है, कुछ शायद प्रॉब्लम होगी इसमें, विल चेक। इसको हटाना है, सिंपल क्लिक डिलीट, दोबारा कर लेते हैं, प्लस साइन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे स्लाइड डाल देते हैं, स्लाइड्स इसको यूज करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब मजेदार चीज है, जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, एक लॉक का साइन दिख रहा है? यस सर। ये कह रहा है इस एलिमेंट को अगर यूज करना है तो आपको इसको प्रो वर्जन में खरीदना पड़ेगा, तो देख रहे हैं? लेकिन सर हम तो इसका आड़ ही नहीं किए थे सर, ये एलिमेंटर का के अंदर ही एक दिया गया ऑप्शन। ओके सर, ओके सर, ठीक है। इमेज भी वही चीज, मेटा स्लाइडर ऐड किया, इमेज क्राउजल भी वही चीज होती है, देखिए यहाँ पे हमने इसको यूज किया और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर देता हूँ, ये इमेजेस का ऑप्शन सामने देख रहे हैं, यहाँ क्लिक किया मैंने और ये लाइब्रेरीज है, इन सबको ऐड कर लू सर, मैं इन चारों को ऐड कर लेता हूँ, मैं क्रिएट गैलरी, इंसर्ट गैलरी, अपडेट कर देते हैं। अब आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट पे कभी कभी आप देखते हैं आपके क्लाइंट्स के लोगो दिखते हैं ना चलते हुए, हाँ, यस सर, वो इसी तरीके से दिखते हैं, ये मैंने अपडेट कर दिया और इस पेज को मुझे देखना है, तो व्हाट आई विल डू, ये देखिए प्रीव्यू चेंजेस, यहां पे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ इसको, कुछ इसी तरीके के लोगो चलते रहते हैं सर। इसमें क्या कि तीन दिखा रहा है जी, कोई बड़ा मान बनाएंगे एक ही पेज में, बहुत मतलब आपको एक बैनर चाहिए, एक स्लाइड शो चाहिए, ये सर, ये सर, ऐसा सर, आपको ऐसा चाहिए जैसा ये राज कूलिंग सिस्टम पे दिख रहा था, ये आपको ये चाहिए, स्टैटिक है ठीक है। इसके लिए आपको इमेज का साइज इतना रखना पड़ेगा सर सबसे पहले, ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं,
हम कोशिश करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं मेटा स्लाइडर चल क्यों नहीं रहा है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चलते हैं अपने, और यहां पे डैशबोर्ड के अंदर हम मेटा स्लाइडर के ऊपर चलते हैं। और हमारे इस इसका नाम था ये रहा मेटा स्लाइडर 14, ये था ना, इसको चूज कर लेते हैं। इसको चूज कर लिया हमने, अब कॉपी कर लिया मैंने, और मैं दोबारा अपने पेजेस के ऊपर जाता हूं। ऑल पेजेस, इमेज का साइज आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको एक बड़ी साइज भी करके दिखाऊंगा अभी। यहां पे एडिट विथ एलिमेंट और देखिए सीधा लिखा हुआ दिख रहा है, मैं एडिट विथ एलिमेंट और क्लिक करता हूं, और अगर वो मेटा स्लाइडर के प्लगइन को नहीं पकड़ रहा है, इसको भी मेरे को डिलीट करना है, मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे जाते हैं, यहां चलिए, और ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे मैं यहां जाता हूं और यहां टाइप करता हूं शॉर्ट कोड। ये देखिए मेरे पास शॉर्ट कोड आ गया, शॉर्ट कोड को किया ड्रैग एंड ड्रॉप, यहां पे ये रहा शॉर्ट कोड, यहां पे मेरे को शॉर्ट कोड डालना है, ये मेरे को शॉर्ट कोड डाल दिया मैंने, अपडेट कर देते हैं, एक बार देखते हैं सर किस तरह से चल रहा है। यही चाहिए था सर? हाँ ये सर, ये सर। अब इमेज का जो साइज है, ये इमेज का साइज आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे देखना है मेरी इमेज का साइज अगर फुल विड्थ में चले, ये कंप्लीट विड्थ में, यही चाहिए था ना आप लोगों को? सर, सर जी बताइए सर। सर ऐसे ये गूगल सर्च एड्स फाइनल आ रहा है जी, इसके ऊपर मुझे अगर कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना तो कैसे लगेगा? सर इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है? हाँ, या मतलब इस पे कुछ लिखना है इसमें इमेज पे, इसी पे स्लाइडर। यहाँ पे देखिए हम इधर चलते हैं और इधर हम चलते हैं एडिट मोड के अंदर, ये रहा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सर, एक और ऑप्शन हम डालते हैं और यहाँ पे इस तरीके से एक सेक्शन बना लेते हैं, ये रहा सेक्शन। इसको मैं काम करते हैं, सेक्शन को ऐसे नहीं बनाते, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए अपना ऐसा। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इसको दो सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, दो सेक्शन मैंने बना लिए, ये रहा। इस वाले सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दीजिए, दूसरे वाले सेक्शन पे प्लस क्लिक कीजिए, यहां पे कॉन्टैक्ट टाइप कीजिए, फॉर्म देख लेते हैं एक बार अगर एलिमेंटोर में डायरेक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा डायरेक्ट फॉर्म है सर, ये भी देखिए दिखा रहा है प्रो विजिटर, ये देख रहे हैं। अब मैं यहां पे एक, मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, मैं अभी आपको एक काम करता हूं, सिर्फ एक इमेज डाल के दिखा देता हूं। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, या कुछ लिख के दिखा दीजिए इसके ऊपर, मैं आपको फॉर्म समझा दूंगा किस तरीके से लेके आना है, क्योंकि फॉर्म का अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से प्लगइन आता है। अच्छा सर, हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो अभी मैं आपको, आप ये समझिए जो इमेज आप डाल रहे हैं ये एक तरीके का फॉर्म है, ये समझ लीजिए सिर्फ आप, ठीक है। अच्छा, और मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा और इसके इस 6 आइकन पे क्लिक करूंगा और एडवांस पे जाऊंगा और इसको मार्जिन दूंगा इस सेक्शन पे, जाता हूं पूरे वाले सेक्शन पे और इसके एडवांस सेक्शन पे जाके इसको मैं मार्जिन देना स्टार्ट करूंगा, नेगेटिव मार्जिन दूंगा जिससे ऊपर चला जाएगा। देख रहे हैं सर? बिल्कुल सर। मैं यहां पे लगभग मान के चलिए आप, मैं दे देता हूं इसको 500 माइनस 500, कुछ इस तरीके से, ठीक है सर, और इसको अपडेट कर देता हूं। अब देखते हैं सर ये कितना आता है, मतलब ये समझ लीजिए वो एक तरीके का फॉर्म है, ये देख रहे हैं आप, आ गया वो। हाँ सर, लॉजिक क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल, उस पे हम टेक्स्ट एडिट करके भी डाल सकते हैं, फॉर्म यहाँ पे फोटो के ऊपर डिस्प्ले होगा जो है ना। सबको लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ये? मुझे लगता है स्लाइड के ऊपर, स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले होगा सर, है ना जी, स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ये। लेकिन सर ये इस तरीके का आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है सर, मजेदार नहीं है, यूजर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं सर, इसके लिए आपको अगर इस टाइप का डिजाइन आपको बनाना है तो मैं इसको कैंसिल करता हूं और इस सेगमेंट को यहां से हटा देता हूं पहले, और मैं क्या करूंगा, मैं इस सेगमेंट को भी हटा देता हूं जो मैंने ऊपर बनाया था। अगर मुझे इस टाइप की चीज बनानी है तो मैं यहां पे दो बॉक्सेस लेता हूं जो बहुत रियलिस्टिक डिजाइन बनाइए, बहुत रियलिस्टिक। अगर आपको फॉर्म बनाना है तो एक साइड में मेटा स्लाइडर लीजिए, यहां पे शॉर्ट कोड डाल देते हैं, ये रहा शॉर्ट कोड,
यहाँ पे शायद मैंने वही शॉर्टकट, चलिए बहुत बढ़िया मैंने शॉर्टकट कॉपी किया होता है, ये एक आ गया और दूसरी साइड मुझे फॉर्म डालना है, यहाँ पे मैं एक फॉर्म डाल देता हूँ, यहाँ पे अभी के लिए मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, हाँ बिल्कुल, बाद में हम इसको फॉर्म वॉर्म जो भी डालना है हम डाल देंगे, अभी के लिए मैं इसको ये डाल देता हूँ एंड अपडेट कर देता हूँ। लॉजिक समझ आया? ऐसा ही चाहते हैं ना आप कि यहां स्लाइडर चलता रहे साइड में आपका फॉर्म आए। ये एक्चुअली एप्रोप्रिएट डिजाइन है। क्यों एप्रोप्रिएट डिजाइन है समझिएगा, जब आप इस स्क्रीन को छोटा करेंगे ना तो देखिए ऊपर स्लाइडर चला जाएगा, नीचे आपका फॉर्म आ जाएगा, वरना अगर आप इसके ऊपर डालते ना आकाश जी मोबाइल डिवाइस में बड़ा गंदा सा लगता है। ये सर मैं ऊपर के लिए नहीं कर रहा था, इस पे जैसे ये नीचे वाली वेबसाइट है आपकी जी, जैसे इसको हटाइए जी, ये इमेज के ऊपर लिखा हुआ है रेंट ए कार बुकिंग वगैरह जी, मतलब ऐसे इमेज के ऊपर। हाँ ओके, इसको यूज करने के लिए देखिए ये सारी चीजें, यही समझनी है, यही मजेदार चीज है यहाँ का। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और इधर से मैं अपडेट मोड में इन सब चीजों को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने एक सेक्शन लिया ये, और इस सेक्शन को मैं यहाँ 6 आइकन्स पे क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए स्ट्रेच सेक्शन ऑन, अब मतलब ये फुल विड्थ ब्राउजर पे आ जाएगा, स्ट्रेच कर दिया मैंने इसको, यहाँ बॉक्स था फुल विड्थ कर दिया मैंने, देख रहे हैं मैंने बॉक्स नहीं हटा के मैंने फुल विड्थ कर दिया, फुल विड्थ वेबसाइट पे चला जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एडवांस पे चला के देख लेता हूं सर एक बार यहां पर, नहीं तो स्टाइल में बैकग्राउंड होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए बैकग्राउंड देख रहे हैं, बैकग्राउंड के अंदर ये देखिए ग्रेडियंट वीडियो स्लाइड शो या क्लासिक कलर वाला, मैं चाहता हूं ग्रेडियंट आ जाए, एक ग्रेडियंट ले लेते हैं सर बैकग्राउंड, जरा इसका कलर चूज कर लेते हैं कुछ, ग्रेडियंट का मतलब कि ब्लैक शेड से ऑरेंज शेड तक जा रहा है, जैसे यहां पे देख रहे हैं ये जो सेक्शन आ रहा है ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है रेड तक जा रहा है, इसको ग्रेडियंट कहा जाता है। और ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर लिया, आप यहां पे बैकग्राउंड में कोई वीडियो भी ले सकते हैं, अभी वीडियो लेके दिखाऊंगा आपको मैं, मैंने इसको ग्रेडियंट ले लिया। और इसके बाद मैं क्या करूंगा सर, यहां पर मैं एक स्लाइड शो डाल देता हूं सर आपके लिए, शॉर्टकट पे चलते हैं दोबारा, वही चीज यूज कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम आपके साथ जो अभी मेरे साथ हुई है ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी याद रखिएगा, क्योंकि आप एक ऑनलाइन ब्राउजर पे वेबसाइट एडिट कर रहे हैं, एक एलिमेंटोर प्लगइन है जो अपने आप में बहुत हैवी होता है एडिट करते टाइम, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, छोड़ दीजिए सिस्टम को थोड़ी देर, सिस्टम को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए इसका मतलब सर, इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं मतलब ठीक होनी चाहिए, शाम के समय रात के 2 बजे बिल्कुल अच्छी स्पीड आ भाई। क्योंकि आपका सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये इश्यू अभी इसलिए आया क्योंकि मैं वीपीएन पे भी कनेक्टेड हूं आपके साथ सेशन के दौरान, तो इसलिए मेरे साथ ये इश्यू आया है, आपके साथ ये इश्यू आ सकता है नहीं भी आ सकता है, देखते हैं हम, अगर हमें इसको कैंसिल करना होगा तो मैं इस विंडो को कैंसिल कर देता हूं। चलिए क्लोज द प्रोग्राम कर देते हैं, चलिए मैं दोबारा एक बार क्रोम को ओपन कर लेता हूं। डीवी बिल्डर वो एलिमेंटर से भी बेटर फीचर्स के साथ है सर, वो जादू है ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पर और भी सेक्शंस अभी दिखा रहा हूँ, अभी तो मजेदार चीज अभी आपके सामने आना बाकी है सर, वो भी प्लगइन है क्या मतलब सर, डीवी एलिमेंटर एक थीम बिल्डर है और साथ में प्लगइन भी उसके बहुत सारे हैं, अभी अच्छा। मैं आपको क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट क्या है हमारी IADM ऑनलाइन, ठीक है अब हम चलते हैं एक नए पेज पे दोबारा, अभी क्लियर है विश्वरंजन जी आपने पूछा था क्लियर हो गया सर, आकाश जी आपका टॉपिक क्लियर है बिल्कुल सर,
पेज पे चलते हैं और मैं एक नया पेज बना रहा हूँ। अब मेरा एक सवाल था, अगर मानिए कि मुझे थीम यूज करना है, इनके साथ साथ एलिमेंटर भी यूज करना है, क्या दोनों दोनों चीज एक साथ यूज हो पाएगी? जैसे एक पेज बिल्कुल हो पाएगी। आपको गूगल पे जाके अगर कोई थीम आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि वो थीम एलिमेंटर से एडिट होगी नहीं होगी। यहाँ पे गूगल पे जाइए, वर्डप्रेस फ्री थीम्स विद एलिमेंट एडिटेड बाय एलिमेंटर, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो थीम आप यूज कर रहे हैं वो एलिमेंटर से एडिट हो भी पाएगी या नहीं पाएगी, ठीक है सर? क्योंकि जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे यहां देखिए ये लेयर स्लाइडर है, बहुत सारी मजेदार मजेदार चीजें हैं, ये थीम्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी पेज है वो एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं इनका। ऐसे आजकल मैक्सिमम जितनी थीम्स डिजाइन होती हैं वो बिल्डर के थ्रू ही डिजाइन होती हैं, लेकिन एक बिल्डर नहीं है। जैसे एलिमेंटर में आपको सिखा रहा हूं वैसे डिवी है, वैसे 50 और बिल्डर्स हैं। तो जो भी डिजाइनर यूज कर रहा है, बिल्डर वाले उसको पैसा देते हैं कि भैया हमारा बिल्डर यूज करो, तभी लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी हमारे ऊपर। ओके क्लियर है सर? ओके चलिए, यार मेरा भी एक क्वेश्चन था, बताइए सर। तो मुझे जैसे अगर कोई थीम पसंद आ गया, मतलब मुझे वही थीम यूज करना है, लेकिन वो एलिमेंटर या डिवी बिल्डर पे एडिटेड नहीं होगा जी सर, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल वर्ड पाऊंगा या मुझे जो भी उसका बिल्डर होगा उसको यूज कर लीजिए। वो जो थीम जब आप परचेस करेंगे, अगर आप प्रो थीम परचेस कर रहे हैं तो अच्छा ही है। जो भी आप थीम यूज करेंगे वो आपको बता देगा, वो ऑटोमेटिकली उसका प्लगइन इंस्टॉल कर देगा आप में, जब आप थीम इंस्टॉल करेंगे कि कौन सा बिल्डर उसके साथ चलेगा। जैसे एक है बेकरी पेज बिल्डर, ये बहुत कॉमन है, फ्री में यूज करते हैं लोग बेकरी पेज बिल्डर, और बहुत सालों से चलता चला जा रहा है, लेकिन वो एडवांस नहीं है एलिमेंटर और डिवी की तरह। तो जैसे ही मैं थीम परचेस या इंस्टॉल करूंगा वो अपना प्लगइन भी साथ में, सर वो बताएगा आपको, रिसर्च करना जरूरी है पहले कि वो प्लगइन वो थीम किस किस प्लगइन के बेस पे बना हुआ है। ओके मतलब सर ये ऐसा है कि एक बार जब मैंने थीम लिया, वो थीम ऐसा होता है कि हर पेज पे उसका अप्लाई करना ही पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक पेज पे अप्लाई करा, दूसरे पेज पे मैंने उस थीम को रखा ही नहीं, बस एलिमेंटर से ही कर लिया। नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते आप? अच्छा वही मैं पूछ रहा था, मतलब एक पेज मेरे को चाहिए तो मैं सीधा थीम से एक पेज आपको वही से, हाँ ओके आपको वही अब करके दिखा रहा हूँ। होम थीम इसका मैंने नाम दे दिया और मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या अभी? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? वॉइस आ रहा है, ये कुछ स्क्रीन पे अभिषेक जसवाल जी का फोटो आ रहा है। अच्छा वीडियो में दिक्कत आ रही है सर? वीडियो में दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ मैं आपको हिलता हुआ नहीं दिख रहा हूँ ऐसा कुछ? नहीं वॉइस थोड़ी अभी ब्लैक हो गया, अभी आपकी ब्लैक हो गई पूरा, मेरा क्लियर ब्लैक हो गई। चलिए दोबारा, सब कुछ ब्लैक हो गया अभी, क्लियर है सर? आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करते हैं? जी बिल्कुल सर। नहीं मैं आज एक मीटिंग में सेशन में था तो मैं वर्चुअल बैकग्राउंड यूज किया, लेकिन वो कट जा रहा था और अच्छा भी नहीं आ रहा था। सर अगर मैं यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट पहन के बैठ जाऊँ ना तो मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा। ओके आपको जब यूट्यूब का सेशन होगा तो मैं समझाऊंगा किस तरीके से स्टूडियो सेटअप होता है। जहां आप मुझे देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है, इस ग्रीन स्क्रीन पे कम से कम 15 लाइट्स हैं, मेरे फेस पे इस टाइम 5 लाइट्स हैं जो फोकस कर रही हैं। सो वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, माइक कहाँ पे मैं पहनता हूँ, क्या माइक है, जहां मैं बैठा हुआ हूँ मेरे ऊपर तीन फ्लोर के माइक्स हैं, लेकिन जो स्टूडियो हमारा सेटअप है उस टाइप के स्टूडियो सेटअप में 15-20 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सेटअप करेंगे यूट्यूब के टाइम वहां कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको वो सिखाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। चलिए आगे चलते हैं सर, वरना टॉपिक चेंज हो जाएगा। एडिट विथ एलिमेंटर पे आते हैं। सबको वीडियो दिख रहा है या मेरे को भी नहीं दिख रहा है? बाकी सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। सर मुझे लगता है सुब्रत जी आपके एंड पे कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है मैं चेक कर लेता हूं। यहां पे देखिए प्लस का साइन है, ये बहुत मजेदार चीज है, यहां पे प्लस का साइन है देखिए, और मैं यहां पे प्लस के साइन पे क्लिक करता हूं, आप देखिए क्या मजेदार चीज यहां पे दिखा दी एलिमेंटर ने। एलिमेंटर ने आपके पेज के डिजाइन दिखा दिए, सीधा सीधा पेज डिजाइन। मान लीजिए मुझे
यहां पर इस पेज को यूज करना है, ये वाला, ये देखिए, इसको मुझे यूज करना है इस तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट। ये सर आप कहां से आए थे एक बार वो नहीं पता चला मुझे, मैं दोबारा दिखा देता हूं। नेक्स्ट में आए सर, मैंने ये प्लस के आइकन पे क्लिक कर रहा था पहले सर मैं, हाँ। अब मैं प्लस के आइकन पे क्लिक नहीं करके मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको कैंसिल कर देते हैं और मैं यहां पर क्लिक करूंगा इस फोल्डर वाले आइकन पे। ओ अच्छा, आइकन फोल्डर वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहां पर ब्लॉक्स आ गए, मतलब पेज के पार्ट्स। आपको अगर कोई स्लाइड शो बनानी है कुछ इस तरीके से, दिखाता हूं मैं कुछ, यहाँ पे FAQs हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ये प्रो का ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए अगर आपको इस तरीके की चीज लेनी है तो इसको प्रो वर्जन इसका यूज करना पड़ेगा। फ्री वाला देखना है तो फ्री वाले में यहाँ इधर चल देते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक ऑप्शन, मान लीजिए इसको लेते हैं। सर और एक कुछ सवाल था, जैसे ये प्रो वाला ऑप्शन मैंने मानो कि खरीद लिया, बट ये इसी वेबसाइट के लिए खरीदना होगा, मतलब ये बार बार नहीं, एलिमेंट और एक ही वेबसाइट के लिए चलेगा सर। अच्छा, मतलब जो कॉस्ट होगा फिर उस बंदे से फिर पहले लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, लेकिन आप कस्टमर को ये थोड़ी बता सकते हैं कि आपके लिए मैं एलिमेंट और खरीद रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो है, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कितने की आती होगी अगर मुझे लेनी। सर ये डिपेंड करता है कि उनका उस टाइम उनका कितना क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस टाइम डिपेंड करता है सर। ये देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट टू योर साइट टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये मेरे को कह रहा है आप करने के लिए, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपकी ईमेल एड्रेस से इस साइट को कनेक्ट करेगा और ये देखिए मेरा सेक्शन यहाँ बन गया। इसको एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा बनाया है इसने। ये देखिए एक सेक्शन बना दिया इसने पूरा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जाके मैं एडिट कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट को, इसको हटाना है हटा देता हूँ। एक दूसरा सेक्शन लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर के कुछ टेस्टिमोनियल डालूं। मेरे को पेजेस देखिए यहाँ पे पेजेस के भी ऑप्शन हैं बहुत सारे। मान लीजिए मुझे चाहिए एक रियल स्टेट की वेबसाइट में बनाना चाह रहा हूं, ये प्रो वर्जन है, यहाँ पे फ्री वाला देखना पड़ेगा हमें। चलिए यहाँ चल देते हैं, प्रोडक्ट ऐप है, एजेंसी देखिए यहाँ पे एजेंसी पेज है। चलिए एजेंसी पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ये रहा, इसको इंसर्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हैं आपकी वेबसाइट अब क्या हो गई, अपडेट कर देते हैं और ये देखिए ये आपकी वेबसाइट बन के रेडी है अभी। ये देखिए कुछ भी नहीं किया मैंने, देखिए मजेदार लग रही है वेबसाइट। बिल्कुल सर जी सर। कितना टाइम लगा मेरे को अभिषेक जी करने में? 50 सेकंड। और कस्टमर कितने पैसे देगा इस चीज के? पता नहीं। कस्टमर का फेस वैल्यू देख के और उसकी पॉकेट देख के पिच करने वाली बात है ये। सर जैसे सपोज किसी रियल एस्टेट के किसी कस्टमर की मैंने वेबसाइट तैयार की जी, और मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट किसी उसके किसी कंप्यूटर की वेबसाइट मिलती जुलती है सर, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा सर? उल्टा आपसे पैसे काट लेगा सर। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा सर? ये पता कुछ नहीं चलेगा, आपको उसके कंप्यूटर को चेक करना पड़ेगा सर। या फिर हम क्या करते हैं सर, क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग स्टेट में थे या जब मैं फ्रीलांसिंग स्टेट में था, मैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर लेता था, लेकिन अब हमारी जो टीम है वो रियल कस्टमाइजेशन करती है, हम टेम्पलेट यूज नहीं करते। जो इमेजेस हैं, जैसे मान लीजिए ये जो इमेज है, ये इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके डालिए। जैसे यहाँ पे इमेजेस है, ये अपने अकॉर्डिंग चूज करके डालिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से, ये जो इमेज है ना, मैं क्या करूंगा, इस इमेज को डिलीट कर दूंगा। इस इमेज की जगह जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं और ये देखिए प्लस का साइन आ गया। मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल देता हूँ, देख रहे हैं कितना मजेदार लग रहा है ये। तो अगर किसी कंप्यूटर ने कोई चीज डाली है तो उससे हटा के कुछ हम डिफरेंट चीज में ऐड ऑन करते हैं। आप कर दो सर, क्या दिक्कत है? ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे जैसे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए
अपडेट सर उसका बैकग्राउंड इमेज उसको चेंज कर सकते हैं सर ये वाला बैकग्राउंड इमेज हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं इस पे देखिए डॉट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर आप स्टाइल के ऊपर जाइए ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको ये देखिए इमेज दिख रही है okay. मैं इसे चूज करके चेंज कर देता हूँ सर मैं दूसरी कुछ डाल देता हूँ मैं अपनी कोई इमेज डाल देता हूँ सर यहाँ पे कोई अगर मुझे मिल गई अपनी कोई इमेज मतलब सर जैसे अगर हम एलिमेंटर यूज नहीं करते हैं नॉर्मल वर्डप्रेस पे तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा चीज हो गया ना बिल्कुल सर इंसर्ट मीडिया कर देते हैं ये लीजिए सर आ गया चेंज हो गई अब पहली बार विश्व रंजन जी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ रही है अब बैकग्राउंड डल है ना देखिए ये बैकग्राउंड डल जो थीम थी ना उसके अकॉर्डिंग डल किया गया है अब अभी अभी 15 मिनट पहले मुझे सबके चेहरे बुझे हुए दिख रहे थे अब सबके चेहरों पे धीरे धीरे स्माइल आ रही है चलिए कोई बात नहीं सर इसी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सामने आती रहेंगी सर 6 साल से सर लोग ठक रहे थे सर इसको लेकर कोई बात नहीं सर सो अभी देखिए यहाँ पर सर क्वेश्चन ये जो इमेज है ना ये इमेज हल्का सा डल है यहाँ देखिए इस इमेज में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा आपको ऑप्शन खुद ही ढूंढना पड़ेगा मैं आपको कस्टमाइजिंग के रेडी करूंगा इस चीज के लिए यहाँ देखिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर ऐसा होगा जो बैकग्राउंड को हल्का सा डल कर रहा होगा यहाँ देख लेते हैं सर सर वो चूज इमेज के साइड में कुछ है सर यहाँ देखते हैं सर क्या चीज है ये मुझे लगता है ये नहीं है जी कर देते हैं स्लाइड शो नहीं है ग्रेडिएंट वीडियो एक बड़ी मजेदार और भी चीज है आप यहाँ पे YouTube की कोई भी एक वीडियो डाल सकते हैं जो बैकग्राउंड में वीडियो चलती रहेगी मैं पहले ये डलनेस वाली चीज करके ठीक दिखाता हूँ उसके बाद हम इस पे आते हैं सर आप फोटो पे क्लिक कीजिए सर वो चूज इमेज के साइड में कुछ ऑप्शन देखिए ये देखिए एक इमेज यहाँ पे जो ये डलनेस वाली इमेज मुझे लगता है यहाँ डाली गई है ये देखिए चलिए ये रही सर ये देख रहे हैं यहां से हल्का सा मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है ये देखिए डार्क हो गई सर सुपर अभी बस उसका सर ये चेंज कर दें तो हो जाएगा दोबारा बताएं सर उसका बस जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देंगे कलर चेंज कर दें तो हो जाएगा सर बिल्कुल आप कर सकते हैं जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपने किया ये या मान लीजिए आपने ब्रोकन लेग की फोटो दिखा दी है ना अब इमेजिनेशंस दिमाग में दौड़ रही हैं यहाँ पे कलर चेंज करना है इसका इसको चूज कीजिए और यहाँ पर आपको तो नीचे लाना तो जो फॉन्ट है उसको इस टेक्स्ट को नीचे लेके आना है इस टेक्स्ट को विश्व रंजन नीचे लेके आना है हाँ ये इसको नीचे करना है सर इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे एडवांस में जाएंगे और मार्जिन है ना देख रहे हैं मार्जिन हो रहा है नहीं सर टोटल टोटल जो चीज है ना वेलकम से लेके ये नीचे तक उसको तो नीचे करना है नीचे स्लाइड सर वेलकम पूरे को नीचे लेके आना है तो ये पूरा लेआउट है इसको देखिए साइड में मैंने क्लिक किया ये एक बॉक्स बना हुआ है ना व्हाइट कलर का मैंने इस पे क्लिक किया ये पूरा आ गया यहाँ एडवांस पे गए और इसको मार्जिन दे दीजिए देख रहे हैं हो रहा है जी जी तो नीचे नहीं आ रहे सर क्लियर है सर ओके सर डन सर और जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर सर अगर उसको तो पीछे स्लाइडिंग करना है तो कैसे करना है सर मान इसके पीछे स्लाइडर चलाना है आपको स्लाइडर सर इसके पीछे चलाना है इसके पीछे स्लाइडर चलाना है तो वहां पे क्या है वहां पे एलिमेंटर आपसे पैसे मांग रहा है देखिए स्लाइड शो दिख रहा है ये यहाँ पे स्लाइड शो चलानी है तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ मैं इसको चूज कर लेता हूँ और मैं इसको चूज कर लेता हूँ ये वाली इमेज को और इसको कर लेते हैं ये देखिए गैलरी बना दी इंसर्ट गैलरी अब देखते हैं स्लाइडर आगे सर ये इमेज थोड़ी छोटी है इसलिए ऐसा आ रहा है मैंने इसलिए क्या किया था मैंने गलती किया कि बैकग्राउंड पे नहीं किया सर आपने बैकग्राउंड पे नहीं किया यहाँ पे जाता हूँ सर जी बिल्कुल फॉन्ट पे किया मैं यहाँ जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड के ऊपर जाता हूँ ये रहा और यहाँ पे स्लाइड शो के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट करता हूँ ये रहा और ये रहा क्रिएट गैलरी इंसर्ट गैलरी
अपडेट कर लेते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। मैंने स्ट्रेच किया था फुल ब्राउजर, इसलिए ऐसा आ रहा है। क्लियर है, मजेदार है अभिषेक जी? यस सर। सुब्रतो जी, आप कॉन्फिडेंस हल्का आया कि कर सकते हैं? बिल्कुल सर। जो फुल स्ट्रेच किए थे, क्या किए? मतलब फुल स्ट्रेच मतलब समझा नहीं। Okay. मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पर जाके ये सामने जब मैं इसकी बैकग्राउंड पे गया ना, जब मैंने इस एलिमेंट को रखा था मेन, जब मैंने इस एलिमेंट को रखा था तो मैंने क्या किया था, यहाँ देखिए बॉक्स लेआउट दिख रहा है आपको? जी जी जी। मैंने इसको फुल ब्रीथ कर दिया था। ठीक है सर। सर जी, सर इस मतलब ये बैकग्राउंड के जो बैकग्राउंड लगा हुआ इसमें, अगर यहाँ पे 4 या 5 सेकंड का एनिमेशन वाला इमेज डाल दे तो? सर एनिमेशन वाला इमेज छोड़िए, मैं इसमें अपने आप को घूमता हुआ दिखाऊंगा आपको अभी। अच्छा, जैसे किसी एनिमेटर से 4-5 सेकंड की एनिमेशन वाली वीडियो बनवा के डलवा दी? बिल्कुल बना लीजिए सर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम IDM को सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कुछ। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये रहा सर। कॉपी एम्बेड कोड? नहीं, कॉपी एम्बेड कोड नहीं करना सर, सिंपल आपने इसको कॉपी करना है पेज के, कॉपी एम्बेड कोड नहीं करना है आपने, सिर्फ इसको 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 उठा लेना है सर, इस लिंक को उठा लेना है, ऊपर वाले लिंक को उठा लेना है सर, और वर्डप्रेस के अंदर इस एलिमेंटर के अंदर अपने आप प्लगइन दिया गया है इसका। यहाँ पे जाते हैं, इस 6 आइकन पे क्लिक करेंगे और स्टाइल के अंदर जाते हैं, और यहाँ देखिए ये रहा, यहाँ पे हम वीडियो पे आते हैं और ये देखिए, ये यूट्यूब का लिंक दिख रहा है? यस सर। पेस्ट कर देते हैं। Okay. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को उड़ा देता हूँ पूरा, मैं इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को उड़ा देता हूँ, मुझे टेक्स्ट मजेदार नहीं लग रहा। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ सर, रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पूरे टेक्स्ट को हम हटा देते हैं, इस वाले टेक्स्ट पे आते हैं, वेलकम वाले पे। वेलकम को भी हटा देते हैं, यहाँ पे इसको पूरा हटा देते हैं। आप देखिए इस बॉक्स को भी मैं हटा देता हूँ, ये रहा, इसको डिलीट करना है, आई डिलीट दिस। देखिए मैंने उस पूरे सेक्शन को डिलीट कर दिया, और अब क्या करना है, अब मेरे को हल्का सा इस इमेज का जो हुआ था इसके बैकग्राउंड को मैं हल्का ब्लरिश, जो मैंने ब्लरिश है ना यहाँ पे, इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा जो ब्लर आ रहा है। नीचे चलते हैं और ओवरले डाल देते हैं, ये रहा, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पूरा ट्रांसपेरेंसी लेवल दे देते हैं इसको, ये रहा कुछ इस तरीके से। कोई भी शेड आपको देना है उसको हल्का सा शेड दे दीजिए, जो कलर देना है। मैं इसको पूरा हटाना चाहता हूँ, मैं पूरा हटा देता हूँ, ये देखिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ये देखिए वेबसाइट आप लोग सामने है। शायद आपके स्क्रीन पे इमेज बहुत, वीडियो बहुत स्लो दिख रही होगी। जी सर, बहुत रुक रुक के दिख रही होगी, लेकिन आप अपने एंड पे देखेंगे तो वीडियो आपको समझ आएगी किस तरीके से काम कर रही है। सर ये लाइव मोड में इसलिए रुक रुक के दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, ये लाइव मोड में इसलिए है। अच्छा। काम करते हैं सर, इस लिंक को मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ और आप लोग भी अपने एंड पे इसको जरूर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस में जाता हूँ, माय ब्लॉग के अंदर, और ये जो मेरा पेज था, ये रहा मेरा पेज, ऑल पेजेस पे जाते हैं, और मैं क्या करता हूं इसको मैं अपना फ्रंट पेज बना देता हूं। कैसे जाएंगे सर, सेटिंग में जाएंगे, ये मेरा पेज कौन सा है, सबसे पहले ये मेरा पेज था होम थीम वाला, मैं अपीयर सेटिंग के अंदर गया, रीडिंग के अंदर गया, एंड होम थीम वाले पेज को मैं पहला बना देता हूं, ये रहा, एंड सेव। और अब मैं जाता हूं यहां पर
अपनी वेबसाइट के अंदर और इसको मैं चेक करता हूँ। अब आप लोग iidmonline.net/prabhakar सर्च कीजिए अपने एंड पे, तो आप लोगों को एक्चुअल चलती हुई वीडियो दिख जाएगी। करें सर अपने एंड पे ट्राई करें आप लोग iidmonline.net/prabhakar। मैं आप लोगों को चैट में यहां पे सेंड कर देता हूं, इसे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, चेक करें प्लीज। कल्पेश जी सो गए लगता है। चलिए कल्पेश जी, अगर रिकॉर्डिंग में इसको कल आप सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं इनकी वीडियो को स्टॉप कर देता हूं। कल्पेश जी मैंने आपकी वीडियो को स्टॉप कर दिया, हम चाहते हैं कि आप एक पेशेंस वाली नींद लें, लेकिन वीडियो को जरूर कल देख लीजिएगा। iidmonline.net चल रही है सर, अच्छे से चल रही है, चल रही है सर। इसमें और एक चीज, छोटा सा चीज पूछ रहा था सर, ये मैं ट्राई कर रहा था, मुझे हुआ नहीं। ये जो कोई भी वेबसाइट के नीचे जो आपके पास जो फुटर पे वो नहीं आता कि वो अबाउट, मतलब उनके सबके बारे में जो लिखा रहता है, तो ये सर जी, तो वो अगर एलिमेंट, मतलब वो क्या क्या होता है, वो प्लगइन्स होता है या वो एलिमेंटर में? नहीं, वो कुछ नहीं होता है, वो रियल कोड से हम एडिट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है सर। वो अगर जब आप कोई उसको खरीदेंगे ना उस थीम को, तो थीम डेवलपर आपको उसको हटाने का तरीका बता देगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे सेशन में आया था, वो चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, तरीका मैं आपको बता दूंगा। है तो ये वर्डप्रेस ही ना, है तो कोड ही ना सर। तो यहाँ पर एक मैं आपको ये समझाऊंगा, अभी के लिए आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थीम फुटर करके एक फाइल होती है, थीम फुटर डॉट पीएचपी, और यहां पर नीचे आपको यहां पर जाके वो ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, डू एक्शंस, सारी चीजें यहां मैं समझाऊंगा किस तरीके से वो आ रही है, आप कैसे उसको हटा सकते हैं। ठीक है सर? नहीं, एक तो ये है, मैं इसकी बात कर रहा था, मैं कोई भी वेबसाइट देखता हूँ, जैसे उसके नीचे नहीं रहता कि अबाउट अस, सारा एक लिस्ट जैसा अच्छा, आ जाता है। ठीक है सर, तो आप अगर उसको करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर के अंदर जाइए, एलिमेंटर में जाने के बाद आप यहाँ पर एलिमेंटर में ही उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब आप कह रहे हैं आप फुटर डिजाइन करना चाहते हैं ना? हाँ हाँ, जैसे पूरे वेबसाइट का एक जिस्ट नीचे फिर से वो लोग दे देते हैं। बिल्कुल, पूरे वेबसाइट का एक ग्लोबल फुटर आ जाए। हाँ है ना सर, वो आगे सिखाऊंगा मैं आपको उस तरीके से। okay. एक पूरा ग्लोबल फुटर, ग्लोबल हेडर, क्योंकि अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी तो सिर्फ बीच का ही पार्ट चेंज हो रहा है ना सर। अभी तो ऊपर का सेम है, नीचे का सेम है, बीच का पार्ट चेंज हो रहा है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा ग्लोबल फुटर, ग्लोबल हेडर कैसे बनाना है। अभी के लिए क्लियर है सर? बिल्कुल, आप लोग सर इसमें जैसे अभी होम डेमो डॉक्स सपोर्ट ब्लॉग, ये इसमें ऑप्शन आ रहे हैं जी, तो अगर मुझे ऐसे करना है कि जब मेरी जो वेबसाइट है वो स्क्रॉल डाउन हो और जब हम ग्लोबल फुटर और ग्लोबल हेडर बनाएंगे उस टाइम ये चीज हम आपको सिखाएंगे कैसे होगा ये। वैसे अगर आप कस्टमाइजेशन पे, हर थीम का एक अलग ऑप्शन होता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में ये जो थीम आप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली है भी या नहीं। इसको चेक करने का तरीका कुछ नहीं है सर, यहाँ पे जाइए, कस्टमाइज पे जाइए। इस पैनल के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है, कस्टमाइजेशन पैनल के बारे में। लोग पहले कस्टमाइजेशन पैनल को ही यूज करते थे, पहले वर्डप्रेस के अंदर इस टाइप के प्लगइन्स नहीं थे, ये जो एलिमेंटर, डिवी, इस तरीके के प्लगइन्स नहीं थे। पहले लोग बड़ी मेहनत से कोड कर करके एचटीएमएल कोड लिख के बनाते थे। तो यहाँ देखिए थीम ऑप्शन है, जो थीम मैंने यूज की हुई है वो उसके थीम ऑप्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ब्लेज ग्लोबल। यहाँ पे देखिए हेडर का ऑप्शन है, टॉप हेडर ये रहा, शो टॉप हेडर ऑन कर देते हैं और देखते हैं सर अभी क्या होता है। चलिए इसके ऊपर एक और हेडर आ गया, ये ऑप्शन नहीं है, ये इसका ऑफिस एड्रेस ही सब आ गया, इसको हटा देते हैं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा सर, यहीं कहीं पे ये ऑप्शन होगा, हर थीम के अकॉर्डिंग होता है। मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सर यहाँ पर मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि थीम जब हम यूज करते हैं तो उसके हर थीम के अपने ऑप्शंस हैं, लेकिन जब तक आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है,
और एक छोटा सा और सवाल था, जैसे ये माई ब्लॉक माई वर्डप्रेस ब्लॉक लिखा है, जो फिर मेरा वेबसाइट का लोगो होगा या कोई मैं अगर नेम लिखता हूँ तो ये सारे में कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये 100% कांस्टेंट रहेगा। ओके सर जी, आप कहाँ पे सर चेंज कर रहे हो? सर ये मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया सबसे पहले कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे और यहाँ हेडर के अंदर गया और यहाँ पर जाके मेन हेडर के अंदर या लोगो साइट ब्रांडिंग पे चला गया मैं। ओके और यहाँ पे अगर मुझे लोगो सेलेक्ट करना है तो मैं लोगो डाल दूंगा, कोई यहाँ से मैं कोई लोगो सेलेक्ट करके लोगो डाल सकता हूँ। जी बताइए सर आकाश जी। सर एक वेबसाइट मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट में मैक्सिमम कितनी प्लगइन मतलब कर सकते हैं? मतलब सर बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन जितना ज्यादा प्लगइन यूज करेंगे उतनी खराब वेबसाइट होती जाएगी। वही तो, मतलब फिर भी मतलब आपके हिसाब से लगभग 10 या 15 या 5 या 6? सर ऐसी कोई लिमिट नहीं है सर, आपकी जो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अच्छा सर, लेकिन बेसिकली आप अगर जैसे आप एलिमेंटोर यूज कर लेते हैं, एक ही प्लगइन से आपका सारा काम हो गया है ना। तो ज्यादा काम एलिमेंटर पे होता है या डीवी पे होता है? सर डीवी एक अलग प्लगइन है, एलिमेंटर एक अलग प्लगइन है, दोनों अलग अलग हैं। मेरे सेशन में ऐसा भी होता है अभिषेक जी कि जब मैं आपको एलिमेंटर सिखा रहा होता हूँ, जब मैं आपको डीवी दूंगा तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि सर एलिमेंटर मजेदार है, क्योंकि आप एलिमेंटर पे अडेप्ट हो चुके होते हैं तब तक। बहुत सारे सेशन में ऐसा भी हुआ है कि बच्चे वो 13,000 का एप्लीकेशन टच ही नहीं करते कि नहीं हमें करना ही नहीं, हम एलिमेंटर पे खुश हैं, ऐसा भी होता है। तो आप जिस पे अडैप्टेड हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं अभिषेक जी कि कस्टमर को डिजाइन हर टाइम नया चाहिए ना, घिसा पिटा डिजाइन सबको देते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको हर टूल की नॉलेज होनी चाहिए। एक कस्टमर मान लीजिए आपको दे रहा है 1,00,000 रुपए एक 4 पेज की वेबसाइट बनाने का, तो उसको अच्छे से बना के दोगे ना, और एक कस्टमर 2,000 दे रहा है तो उसको फ्री वाला एलिमेंटर डिजाइन करके काम खत्म करके दे दो। बिल्कुल सर, लॉजिक है ना बात में सर? बिल्कुल सर। चलिए मैं सेशन को यहीं पे रखूंगा, आप चाहें तो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, हम कल दोबारा मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन था। जी लवली जी बताइए। सर इस चीज के टॉपिक से तो नहीं था सर, मुझे एक चीज पूछना था जी। कि वो जो याद है सर एक बार मैंने आपको अपना यूट्यूब वीडियो भेजा था तो आपने उस पर व्यूज के लिए कुछ किया था जी। तो सर वो व्यूज जो होते मतलब व्यूअर्स होते हैं वो फेक व्यूअर्स होते हैं या जेन्युइन व्यूअर्स? बिल्कुल रियल व्यूअर होते हैं, अगर उसको आपको IIDM दे रहा है तो बिल्कुल रियल व्यूअर्स होते हैं वो। नहीं एक्चुअली सर मैं पूछने का ये मकसद था कि लाइक जैसे उससे लोग सब्सक्राइब एंड लाइक्स वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता उन सारी चीजों से, मतलब पड़ा नहीं अभी तक सर। मैम वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपकी जो हमारे पास कुछ एक गूगल के कूपन्स आए हुए थे, जो कूपन्स आपके एड में यूज किया गया है। ओके ओके। आपकी वीडियो पे एड चलाया गया था, गूगल ने हमें एक 8,000 का कूपन दिया था। ओके। हमारे पास तो बहुत कूपन्स पड़े हुए थे उस टाइम, तो हम अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके तो मतलब कहने का मतलब सर कि अभी से जो मैं वीडियो एक्चुअली सर एक दो दिन से भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं तो अभी मैं वही अपलोड करने वाली हूँ, परसों एडिटिंग खत्म हो जाएगी। अभी और अगले 2 महीने तक गूगल कोई कूपन नहीं देने वाला किसी को भी। नहीं सर कूपन नहीं, मैं ये चीज बोल रही थी सर, तो उस पे व्यूअर्स के लिए सर कैसे मुझे काम करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो भी बैच में हिमांशु जी से बोलिए कि आपको यूट्यूब वीडियोस की कुछ क्लासेस दे दें वो जो ऑर्गेनिक रैंकिंग की, और वहां पर आपको टैग्स में काम करना है और आपको काम करना है उसके टाइटल के ऊपर, और उस वीडियो को शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप सोशल पे उसको शेयर करें। लवली जी मैं ज्यादा इस टॉपिक को इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज पे। हाँ ठीक है सर मैं समझ गई। ओके चलिए सो लेकिन लवली जी अगर आप चाहें तो आप जरूर मेरे से कल दोपहर में बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है सर मैं आपको कल एक बार कांटेक्ट करूंगी। और हिमांशु जी सर आपके वही सपोर्टिंग IIDM सपोर्टिंग नंबर पे मैं कॉल करूँ ना उसके लिए? मैम हिमांशु जी आपके अकाउंट मैनेजर हैं या नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप एक बार सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट कर लीजिए और आप पूछ लीजिएगा कि आपने बैच 7120 ज्वाइन किया है और आपके अकाउंट मैनेजर क्यों है, क्योंकि ये आपका थर्ड बैच है। हाँ। अकाउंट मैनेजर कौन है इसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहें सर पहले तो सतीश जी थे, तो मुझे लगता है दोबारा सतीश जी ही होंगे फिर अभी। हाँ, तो ठीक है सर। लेकिन एक बार आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ठीक है सर। एक चीज सर जी,
सर मैं कैनवा में क्या बनाया था, डिजाइनिंग बनाया था मेरा ऑफिस के लिए, मैंने उसको गूगल पे जैसे कि एड में तो लोड किया तो वो रिजेक्ट कर दिया, जैसे मैं नॉर्मल जैसे गूगल पे क्या बोलते वेबसाइट में, वेबसाइट नहीं सोशल मीडिया में जैसे ये किया उसमें मैंने दिखाया रिजेक्टेड है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। सॉरी सर मैं वो मेरा दूसरा लैपटॉप में रह गए, बात कर सकते हो देख लेंगे हम, कोई बात नहीं सर मेरा जैसे सर देखिए जैसे कि ये वाला बोन है ये पूरा ब्रेक हो चुका है, तो इसको हम लोग किसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको अगर मैं गूगल में इसको बना के मैं अगर ये करता हूँ तो गूगल रिजेक्ट कर देता है सर? वो इसलिए कर देता है क्योंकि आपने जो एक्सटेंशन यूज किया होगा ना, हाँ वो एक्सटेंशन आपने ठीक से यूज नहीं किया होगा। आप गूगल में कहाँ डाल रहे हैं इसको? गूगल में सर कहाँ पर है वो मतलब गूगल के 10 सर्विसेज है, गूगल एड्स है, आप गूगल में सर्च कंसोल में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं इसको? पहले तो फेसबुक एड्स में डाला था, फेसबुक वाले फेसबुक एड बिल्कुल मना कर देंगे सर इसको। हाँ तो फिर गूगल में भी डाला था? गूगल में कहाँ डाला था सर? मैं कल एक बार पूछ के बताऊंगा सर। ओके मतलब आपने नहीं किया, किसी और ने किया है? हाँ मैं बंदे को रखा हुआ हूँ जो कि डिजिटल मार्केटिंग करता है, थोड़ा बहुत जानता है, तो वो किया था। कोई बात नहीं, उसका गला पकड़ने का टाइम आ गया है सर, अब धीरे धीरे। तो सर मेरा भी क्वेश्चन था सर, ठीक है तो सर कब तक कल थोड़ा कल कॉल कर सकता हूँ सर थोड़ा? दोबारा बताएं सर, कल मैं कब तक आपको कॉल कर सकता हूँ थोड़ा बात करना है? सर आप सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट करके मेरे शेड्यूल के बारे में पता कर सकते हैं, आप उनको बोल दीजिएगा यू वांट टू टॉक टू मी एंड दे विल अरेंज अ कॉल बैक फॉर यू। ओके सर, श्योर सर, ठीक है सर। मेरे आपसे सर डोमेन और होस्टिंग के बारे में बात हुई थी जी, तो हिमांशु सर ने मुझे एक मेल भेजा था, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है सर, ये जो लिंक है वो उस मेल पे था, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड लॉगिन कर लेता हूँ। सर मुझे जानना था कि ये डोमेन का पेज सर माय ऑर्डर्स पे, मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए, मैनेज ऑर्डर्स, ओके लिस्ट सर्च ऑर्डर्स, ओके क्लिक करें सर अपने डोमेन पे। ओके सर, सर डोमेन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आपका डोमेन आ गया सर, नेम सर्वर्स पे क्लिक कीजिए सर, नेम सर्वर्स। ये आपका कंट्रोल पैनल नहीं है युवराज जी, ये डोमेन का है क्या सर? ये डोमेन का कंट्रोल पैनल है। हाँ सर वही, ये आपको कंट्रोल पैनल का मेल अलग से आया होगा? नहीं सर वो अब तक आया नहीं है, इसलिए यही एक ईमेल आया। हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेंड किया जाता है, एक बार चेक कीजिए सर दोबारा अपनी ईमेल पे चेक कीजिए। तो मेरा मेल है सर, एक बार जंक ईमेल्स में चले जाइए तो स्पैम में चले जाइए सर, एक बार वहां पे भी देखिए, बिकॉज आउटलुक में कभी कभी जंक में भी चला जाता है। ओके सर, हाँ यहाँ पर है सर, ये नीचे इन्फो वाली, ओके नीचे इन्फो वाली सर, ये आपके पास कंट्रोल पैनल आई। मैं एक्चुअली कॉन्स्टेंटली ईमेल चेक कर रहा था,
सर कभी कभी होता है, कभी कभी चला जाता है। ओके सर, ओके। तो यहाँ पे जो है कॉपी कीजिए सर, मैं अभी बता देता हूँ। अभी मत करिए सर, बाद में करना, ये अभी रिकॉर्डिंग मोड में है। हाँ सर, अभी अभी आप लोग कर लीजिएगा। सो ओके सर, हाँ ये मुझे आइडिया आ गया सर, अब क्या करना। अब आ गया ना सर? हाँ सर, क्योंकि मैंने ये जो मेल है वो पहले देखा नहीं था, वो जंग में। कोई बात नहीं सर, ऐसे आइडियाज आते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए। सिर्फ आपका काम मुस्कुराना है, मेरा काम है ज्ञान डालना। मैं अपने आप डाल दूंगा, आप मुस्कुराते रहिए सिर्फ। ओके सर, है ना, आपने मुस्कुराने के लिए पैसे दिए और ये मुस्कुराहट बरकरार रखना मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य भी है। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट सर।